रहे एमएनएस न्यूज पर देखते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर नागपुर में डेंगू का आतंक। इन दिनों एक ओर जहां चुनावी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नेताओं से लेकर समूचा प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। यही वजह है कि जन समस्याओं की ओर नजरअंदाज किया जा रहा है। महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग संक्रमण बीमारियों से निपटने के लिए नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। परिणाम स्वरूप स्वाइन फ्लू, स्क्रब टाइफस सहित डेंगू का कहर जारी है। उत्तर नागपुर के मिसाल लेआउट परिसर में डेंगू मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं सिटी के अन्य भागों में भी डेंगू के मच्छर लोगों को हलाकान कर रहे हैं। सिटी में अब तक 266 डेंगू मरीज पाए गए हैं। इसके बावजूद महानगर पालिका प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। ठगे जा रहे बैंक ऑफ इंडिया के लाखों ग्राहक। बीमा कंपनी बदली। बैंक ऑफ इंडिया से हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले सिटी सहित देश भर के लाखों ग्राहकों के समक्ष संकट पैदा हो गया है। बैंक के बीमा कंपनी बदलने से लाखों ग्राहकों की पॉलिसी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा यह भी संशय है, क्योंकि बैंक ने सरकारी कंपनी नेशनल इंश्योरेंस को छोड़ निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंश्योरेंस से करार कर लिया है। रिलायंस कंपनी अपने शर्तों पर कागजात मांग रही है जो बैंक के अधिकारियों के पास नहीं है। अब ग्राहकों को कागजात यानी पुरानी पॉलिसी जुटाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बैंक के अधिकारी इसमें किसी भी तरह से मदद करने को तैयार नहीं है। नागपुर में ही हजारों की संख्या में पॉलिसी लैप्स होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां भविष्य खराब होता दिख रहा है, वहीं वर्षों तक भरे गए प्रीमियम की राशि के भी पानी में जाने का खतरा मंडराने लगा है। पूर्व मंत्री मोघे को हाईकोर्ट का झटका। मामला रद्द करने से अदालत ने किया इनकार। नागपुर यवतमाल जिले के वड़गांव मार्ग पर पुलिस थाना में दायर किए गए धोखाधड़ी का मामला रद्द करने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री शिवराज मोघे और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में फौजदारी याचिका दायर की गई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश झका हक और न्यायाधीश पुष्पा गड़ेनी वाला मामला रद्द करने से इनकार करते ही याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस ली गई। मोघे की ओर से अधिकारी राहुल कुरेकर ने पैरवी की। अयुद्दीन शमशुद्दीन सोलंकी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मोघे के परिणय मंत्री रहते समय उनके भतीजे और पीए देवानंद पवार ने आदिवासी आश्रमशाला और डीएड महाविद्यालय के लिए मंजूरी दिलाने का लालच देकर सोलंकी से 42 लाख रुपए लिए थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।